अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यार हमने बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक पीछे डिस्कस कर लिया, अट्रैक्शन, रिपल्शन, कूलम लॉ, सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो रहा है। तो अब एप्लीकेशन, थोड़ा लाइट टॉपिक की तरफ आते हैं। जीरोग्राफी, ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। जीरोग्राफी क्या, यानी फोटो कॉपी है, जिससे हम अपने पेज जो है वो फोटो कॉपी, मतलब कुछ भी फोटो कॉपी करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं जीरोग्राफी। अब जितना भी जो कॉपिंग प्रोसेस होता है ना, हाँ, मगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार मैंने इसके जो है नोट्स है ना इस टॉपिक के, वो मैं लास्ट में इंक्लूड कर दूंगा ताकि आप लोग याद कर सको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके वो चीज़ याद कर लो, तो मैं वो एंड में साथ ही लगा दूंगा वीडियो के, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं जीरोग्राफी फोटोकॉपी का। जितना भी प्रोसेस है ना फोटोकॉपी का, वो जीरोग्राफी कहलाता है, क्योंकि और ये जीरोग्राफी दो ग्रीक लेटर से निकला है, जीरो और ग्राफो। जीरो मीन ड्राई और ग्राफोस राइटिंग, मतलब ड्राई राइटिंग। और ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इसमें होता क्या है कि दो अनलाइक चार्जेज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट एक दूसरे को करते हैं। यही वजह कि ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और ये यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अट्रैक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। सबसे पहले ड्रम है, ये इस मशीन का हार्ट है, हार्ट है, क्योंकि मतलब सारा काम ही इसका है, ठीक है। उसके बाद लैंप है जो लाइट प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और क्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। इस पे टोनर है जो कि एक इंक है, फाइन ब्लैक पाउडर्ड इंक, नेगेटिवली चार्ज, जो कि फिर हीटर है जो कि पेज को एक पेज के ऊपर एक परमानेंट इंप्रेशन देता है, और वाइपर है जो कि ड्रम को दोबारा साफ कर देता है अगली कॉपी के लिए, ठीक है। तो ये आ गई अब इसकी डायग्राम, ठीक हो गया है, डायग्राम आ गई। सबसे पहले जीरोग्राफी के बारे में बताया, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, अब डायग्राम। डायग्राम में यार देखो, जो पेज हमें फोटोकॉपी करना होता है वो हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है, फेस डाउन होता है उस पेज का। लैंप ये एक लाइट प्रोड्यूस करता है जो कि कहाँ जाके लगती है, पेज पे। पेज से लाइट रिफ्लेक्ट होती है लेंस पे, और ये लेंस उस लाइट को फोकस कर देता है ड्रम पे, ठीक है। अब यहाँ जो लाइट आएगी वो लाइट आएगी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई होगी। अब जैसे ही ये लाइट यहाँ आती है, तो ब्लैक जो जितना भी ये जो है ब्लैक ऑब्जेक्ट, ये जो ब्लैक वर्ड है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे रिफ्लेक्ट नहीं करता। मतलब लाइट जहाँ जहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है वो ये वाला एरिया, खाली एरिया, ठीक है, मतलब ब्लैक वाले वर्ड से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, ठीक है, तो वो लाइट आ जाती है यहाँ सारी। अब ड्रम क्या है बेसिकली, अब ड्रम वो लाइट लेंस और लेंस इसको ड्रम पे करती है। अब ड्रम क्या है, यार ड्रम बना है एलुमिनियम से, मेटल है, ठीक है, मगर ये कोट किससे किया गया है, इसके ऊपर कोटिंग है सिलीनियम की, ठीक है। अब सिलीनियम क्या है, सिलीनियम है एक फोटो कंडक्टर, यानी कि जैसे ही आप सिलीनियम के ऊपर रोशनी डालते हैं, यानी कि लाइट देते हैं, सिलीनियम के ऊपर लाइट करते हैं, तो क्या होता है कि यार ये जो है ना सिलीनियम बन जाता है कंडक्टर, मगर जैसे ही कोई लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, तो ये इंसुलेटर बन जाता है, ठीक है, मतलब लाइट में कंडक्टर और डार्क में इंसुलेटर। अब इस सबसे पहले ना, ये लाइट के आने और जाने से, मतलब लैंप को ऑन करने से पहले और लाइट के रिफ्लेक्ट होने से, सबसे पहले हम कोरोट्रॉन से क्या कर लेते हैं, इस पूरे को पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो ये पूरा क्या है, ड्रम पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, मतलब सिलीनियम वाली लेयर सारी पॉजिटिव चार्ज है, और अभी इसके ऊपर, और अभी ये अंधेरे में है क्योंकि कोई लाइट नहीं ऑन हुई, ये डार्क में है और पॉजिटिव चार्ज इस पे दे दिया गया है, और
पॉजिटिव चार्ज भी है और डार्क में भी है। और अभी ये क्या है, इंसुलेटर होगा या कंडक्टर? ये होगा इंसुलेटर क्योंकि डार्क में है, ठीक है, ये डार्क में है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये इंसुलेटर है। जैसे ही लैंप ऑन करते हैं वो लाइट उधर लगती है, लेंस में आते रिफ्लेक्ट होकर लेंस, और लेंस उसको ड्रम पे फोकस करता है। तो लाइट सिर्फ इस जगह से आ रही है, इस ब्लैक वर्ड से नहीं आ रही, क्योंकि ब्लैक वर्ड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो क्या होगा कि जितनी भी लाइट आएगी वो सारे हिस्से में, जैसे ही लाइट इधर आके लगेगी तो वो सारे हिस्से में, वो जो सारा हिस्सा है वो बन जाएगा कंडक्टर, ठीक है। और लाइट कहाँ कहाँ नहीं आएगी, ये सिर्फ जो वर्ड एच था जहाँ लाइट नहीं आई, क्योंकि उसने लाइट को पास ही नहीं किया, उसने उधर ही अब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से लाइट वो आई नहीं। अब जिधर जिधर लाइट आई सारा ये था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही लाइट आई इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से सिलीनियम की लेयर में गए और न्यूट्रलाइज कर दिया जहाँ जहाँ लाइट थी, जो जो चीज़ कंडक्टर थी। जैसे कि अब आपको पता है कि क्या होता है कि जो अब ये एक मेरे पास है और मैं कहता हूँ यार मेरे पास खाली है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और ये खाली है, और अब अगर अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो ये क्या बचेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज बेसिकली होती है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो अब यहाँ मेरे पास इतने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके अंदर तो डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी और ये खाली न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही वो लाइट आई, अब हमें पता है कि वो एच वाले हिस्से से लाइट नहीं आई थी, मतलब वो जो हिस्सा है वो रहेगा इंसुलेटर, और वहाँ जो है वो चार्ज हमेशा रहे, मतलब वहाँ से चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ वो तो इंसुलेटर है, बाकी सारे हिस्से से चार्ज चला गया। तो वो एक फॉर्म आ गई ऐसे, वहाँ वहाँ चार्ज रहा ये एच वाले हिस्से पे। उसके बाद क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ड्रम थोड़ा घूमता है ऐसे ये टूनर के पास जाता है। अब टूनर क्या है, ब्लैक पाउडर है और वो है नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये नेगेटिवली चार्ज टूनर ना स्प्रे किया जाता है, जैसे ये स्प्रे किया जाता है तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव बेसिकली है तो ये सिलीनी, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है अभी, ये एक लेयर है समझ लो, उसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, बस सिलीनियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो टूनर है ये इंक होती है, और इंक में मतलब होता है ऐसी इंक जो नेगेटिवली चार्ज है, तो जैसे ही स्प्रे इसकी की जाती है ये सारे पॉजिटिव चार्ज उस इंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उसी उसी जगह पे वो एच, मतलब ये एच वाली जगह पे इंक आ जाती है सारी, अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो रोलर है उसके बाद ये आगे जाता है, ठीक है, यहाँ से पेज आता है, फिर ये रोलर की बारी आ जाती है। रोलर इस पेज को गर्म करते हैं और थोड़ा प्रेस करते हैं और एक परमानेंट इम्प्रेशन आ जाता है। ओके ओके, तो यही था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसकी वर्किंग में सारा आ जाएगा कि सबसे पहले हमारे पास ड्रम है जो कि एलुमिनियम का है, ठीक है, और सिलीनियम की कोटिंग है, सिलीनियम कंडक्टर होता है लाइट में, लाइट आएगी इलेक्ट्रॉन पास करेगा, और लाइट नहीं आ रही तो इलेक्ट्रॉन को रोके रखेगा, इंसुलेटर बन जाएगा, मतलब ये सीन है। तो उसके बाद होगा कि मतलब ये एक फोटो कंडक्टर है सिलीनियम। उसके बाद है कि यार यहाँ से सिलीनियम, ये सारे को सिलीनियम को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है क्रोटॉन से, फिर एक लैंप को, लैंप की मदद से, और क्रोटॉन ये सारा पॉजिटिव चार्ज उस वक्त तक रहेगा जब तक ये डार्क में रहेगा, यानी इंसुलेटर डार्क में रहेगा तब तक। अब जैसे ही लाइट ऑन की जाती है ये सारा इंसुलेटर हो गया, मगर ये एच वाली जगह मगर कुछ हिस्सा नहीं हुआ क्योंकि ये एच ने लाइट पास ही नहीं की थी। तो वही वाले जिस एच ने लाइट पास नहीं की थी उतनी जगह पे पॉजिटिव चार्ज रहे, क्योंकि वो तो डार्क में ही था, बाकी सारे पे लाइट आ गई, वहाँ से चले गए डार्क वाले पे हिस्से पे रहा। अब उस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव वाले टूनर इंक जो है उसको अट्रैक्ट कर लिया, जैसे ही अट्रैक्ट किया रोलरों ने उसे गर्म करके एक परमानेंट इम्प्रेशन प्रोड्यूस कर दिया, और फोटो कॉपी आ गई हमारी। ओके हो गया, तो इतना ही था फोटो कॉपी का, फोटो कॉपी का मतलब डायग्राम। अब मैं आपको
इसके नोट्स की थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये है ज़ीरोग्राफी की हेडिंग। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगर आपने ये याद करना हो तो आप याद कर लें। और उसके बाद ये डायग्राम है, और उसके बाद ये जो है ना, ये इसकी वर्किंग है। तो उम्मीद करता हूँ यार कि आपको समझ आ ही गई होगी। वैसे इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे गुफ्तगू करता हूँ। अभी के लिए बाय। तो मिलता हूँ यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।